गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, दिस इज इंग्लिश रीडर फॉर फोर्थ क्लास एंड वी विल स्टार्ट चैप्टर सिक्स। बेटा हम चैप्टर सिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो चैप्टर फोर्थ तक मैंने आपको करा दिया है, आई होप सभी बच्चे का काम पूरा होगा, सब ने काम किया होगा फोर्थ तक, और सारी वीडियोस देखी होंगी और बुक्स फिल करी होंगी, क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होंगे। और फाइव चैप्टर सिलेबस में नहीं है, ठीक है, फाइव मैंने छोड़ दिया है, सिलेबस में नहीं है, उसके सीधा हम फोर्थ के बाद पढ़ेंगे सिक्स, ठीक है, सिलेबस में। टीयर्स ऑफ रिमोर्स, पहले चैप्टर की जो है चैप्टर का नेम एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हो। टीयर्स होता है आंसू, हमारे जो आंसू होते हैं उनको टीयर्स बोलते हैं। ऑफ रिमोर्स क्या होता है, रिमोर्स होता है जब हमें किसी गलती का दुख होता है, ठीक है, मिस्टेक का दुख होता है, या जैसे हमें पश्चाताप होता है ना, हम कुछ कर देते हैं गलत, अरे तो जैसे गलती से हमें घर में भी कुछ टूट जाता है, हम सोचते हैं ना मम्मी डांटेंगे अब तो क्या करें, इसको छिपा के रख देते हैं, तो वो जब कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और उसका हमें पश्चाताप होता है, हमें दुख होता है कि हमें नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई, और अंदर ही अंदर डरते भी रहते हैं, तो उसी के आंसू, ठीक है, टीयर्स ऑफ रिमोर्स, कोई गलती हो जाती है उसके जो उसका पश्चाताप होता है, उसका दुख होता है। तो इसी के ऊपर एक स्टोरी है आज की, ये पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनेगा ये, आप वीडियो देखना और ध्यान से सुनना, ठीक है। इट वॉज इवनिंग व्हेन इंदर वॉज अलोन इन हिज रूम, शाम की बात है जब इंदर, लड़के का नाम है इंदर, वो अपने रूम में अकेला था। ही हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम हिज साइंस ट्यूशन, वो कहाँ से वापस आ रहा था, अपने साइंस ट्यूशन से कोचिंग लेके वापस आ रहा था, ही वापस आया था और अपने घर में अपने रूम में अकेला था। ही कास्ट अ ग्लेंस एट द किचन एंड फाउंड हिज मदर बिजी विद कुकिंग, जब उसने देखा, जब उसने खुशी से आके देखते ना कि एकदम कहीं से आते हैं बाहर से, खुशी खुशी चेक करते मम्मी कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, है ना, सब घर में कहाँ हैं, एक भी लोग नहीं हो, हम पूछते भी हैं। तो उसने क्या पाया कि उस किचन में उसकी मम्मी बिजी हैं कुकिंग में, ठीक है, खाना बनाने में उसकी मम्मी बिजी हैं। हिज फादर वॉज नॉट एट होम एट दैट टाइम, और उस टाइम उसके पापा घर पर नहीं थे। नोबडी हैज सीन इंदर कम इनसाइड द हाउस, और किसी ने नहीं देखा कि इंदर घर में भी आ चुका है, ये वो देख रहा था। इंदर एंटर्ड द बेडरूम ऑफ हिज पेरेंट्स, इंदर अपने पेरेंट्स के कमरे में गया, ठीक है, अपने पेरेंट्स के रूम में गया। ही सर्च द ड्रॉर ऑफ हिज फादर वेयर ही कैप्ट हिज पर्स एंड अदर वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स, उसने देखो बेड का जो होता है अपने बिस्तर का बेडरूम पर, पेरेंट्स के बेडरूम में गया, ड्रॉर वगैरह चेक करने लगा, और उसने देखा कि वहाँ पे जहाँ पे उसने वो ड्रॉ खोला जहाँ पे उसके फादर अपना पर्स रखते हैं या जो वैल्यूबल बिलोंगिंग्स रखते हैं, बिलोंगिंग्स मतलब जो वो चीज़ जिसकी होती है, तो अपने से जुड़ी जो भी चारे सारी चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें या पर्स है, पैसे हैं, वो उसके पापा ड्रॉ में रखते थे, उसने वो ड्रॉ खोला। हिज हर्ट वॉज बीटिंग फास्ट, उसके दिल बहुत ऐसे धड़कने तेज तेज से धड़कने लगी, धड़कती है ना जब हम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, तो उसने भी पैसे उठाए। तो नेक्स्ट मूवमेंट हिज फादर्स पर्स वॉज इन हिज कस्टडी, अब क्या था, अब उसने पापा का पर्स उसकी कस्टडी में आ गया था, कस्टडी मतलब उसके अंदर उसके कंट्रोल में आ गया था, उसके फादर का पर्स उसके हाथ में था, अब उसका कंट्रोल है। आउट ऑफ फियर ही फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ समवन बिहाइंड हिम, उसने अचानक से डर गया कि उसके पीछे कोई है। ही टर्न इमिजिएटली, उसने जब एकदम तुरंत मुड़कर देखा, बट नोबडी वॉज देयर, बट वहाँ पे कोई नहीं था। इट वॉज जस्ट हिज इल्यूशन, इल्यूशन होता है जब हम कुछ दिन में भी हमें फील होने लगता है, दिन में हम सपने देखते हैं ना जैसे उसको, तो बस उसका एक इल्यूशन था ये कि उसके पीछे कोई है, जब उसने तुरंत मुड़ के देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। जब ऐसे काम करते हैं तो लगता है ना अरे इधर भी कोई है, लगता है बाहर भी कोई हमें देख रहा है, तो ऐसे डर सा लगने लगता है। ही थॉट इफ इट इज नॉट डन नाउ आई विल नेवर गेट चांस अ गोल्ड नेवर सॉरी नेवर गेट सच अ गोल्डन चांस, उसने सोचा कि ये मेरे हाथ तक पैसे आ गए, अगर मैं इसे अभी नहीं करूँगा ना तो शायद मैं ये दोबारा ये चांस मेरे पास नहीं आएगा, क्या पता दोबारा कोई घर पर खाली ना मिले मुझे, कोई रूम खाली ना मिले, तो ये दोबारा चांस मुझे नहीं मिलेगा, तो अगर मैंने ये अभी नहीं किया काम। इंदर हर्डली ओपन द पर्स विच वॉज फिल्ड विद द नोट्स ऑफ 1,000 एंड 500, ठीक है, उसमें क्या थे,
उसने जब पर्स ओपन किया तो किस किस नोट से फिल्ड था, उसमें पैसे थे 1500, ठीक है 1500 पैसे थे उसमें। इंदर टुक आउट वन नोट ऑफ 500 और उंदर ने उसमें से एक 500 का नोट निकाल लिया एंड पुट द पर्स बैक इन द सेम पोजिशन इन द ड्रॉअर और पर्स बिल्कुल वैसे ही बंद करके ड्रॉ में रख दिया जहाँ पे वो रखा हुआ था। ही नीडेड द मनी बैडली, उसको पैसे की जरूरत थी एंड हिज पेंसिल बॉक्स वॉज, किस लिए जरूरत थी उसको पैसे की, हिज पेंसिल बॉक्स वॉज ऑल्सो लाइंग देयर ऑन द टेबल और उसका पेंसिल बॉक्स भी टेबल पर ही पड़ा हुआ था। ही पुट द नोट इन द इन इट एंड द कैप द पेंसिल बॉक्स ऑन द टेबल, उसने क्या किया ना वो नोट जो है पेंसिल बॉक्स में रख दिया और पेंसिल बॉक्स टेबल पर रखा है रख दिया। देयरफॉर ही अगेन अगेन स्लीप्ड आउटसाइड द हाउस विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज मदर और वो जाके अपने अपने जिमैक्ट्री में पैसे पेंसिल बॉक्स जो है अपने जिमैक्ट्री में पैसे छिपा दिए और जाके वो दोबारा से सो गया बाहर घर के और अपनी मम्मा को बिना बताए, ठीक है अपनी मदर को बिना बताए कि उसने उसको घर के अंदर तो आते हुए किसी ने देखा ही नहीं, तो वो चुपके से फिर से बाहर चला गया। ही रीच द प्ले ग्राउंड वेयर सम बॉयज वर वेटिंग एगरली, तो वो प्ले ग्राउंड में पहुंचा जब उसने वहाँ पे कुछ लड़के खेल रहे थे उसका इंतजार भी कर रहे थे एंड दे सेड इंदर वेयर वर यू, कि तुम इंदर तुम कहाँ थे आ जाओ कम एंड जॉइन अस और आओ और हमारे साथ खेलो। बट इंदर रिफ्यूज्ड एंड सेट ऑन अ बेंच इन द प्ले ग्राउंड, बट इंदर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, इंदर के दिमाग में जो काम किया वो चल रहा था, वो घर के आया है तो उसने रिफ्यूज कर दिया मतलब मना कर दिया उनको कि नहीं नहीं मैं नहीं खेल रहा और जाके वो बेंच पर बैठ गया। द बॉयज कैप्ट ऑन प्लेइंग हिज हर्ट बीट्स वर स्टिल बीटिंग फास्ट एंड ऑफर टेरर और जब बॉयज जो थे बाकी वो तो खेलने में मस्त थे बट उसकी जो हार्ट बीट थी उसकी जो धड़कनें थी ऐसे उसका दिल धक धक बहुत जोर से उसकी जो बीट सांसें ले रहा था वो उसे बहुत टेंशन पर फुल ऑफ टेंशन थी, उसको बहुत डर लग रहा था, उसको ज़्यादा ही चिंता में था वो। एक्चुअली अ फ्यू डे अगो, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इंदर हैड बोरोड सम मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात बता रहा है वो कि इंदर ने कुछ पैसे बोरो किए थे अपने फ्रेंड से, बोरो मतलब जब उधार लेते हैं जो लोन की तरह लेते हैं उधार लेते हैं, तो अपने फ्रेंड से मनी बोरो किए थे एंड ही वॉज नॉट एबल टू रिटर्न इट ऑन टाइम, तो उसने वो पैसे उसको अपने फ्रेंड को टाइम पर नहीं लौटा पाया था, वो वापस नहीं कर पाया था। सो हिज फ्रेंड स्टार्टेड थ्रेटनिंग हिम, थ्रेटनिंग होता है धमकी देना या धमकाना किसी को डराना, ठीक है तो उसके फ्रेंड्स क्या करने लगे थे उसको धमकी देने लगे थे क्योंकि वो टाइम पे पैसे नहीं पहुंचा पाया था, तो वो धमकी देने लगे थे उसके फ्रेंड्स एंड फॉर हिम देयर वॉज नो अदर वे एक्सेप्ट थेफ्ट, तो उसके वो सोच रहे कि फिर मेरे लिए कोई चारा नहीं था कि मैं पैसे भी ऐसे चुरा लूँ जैसे उसने किया। नेक्स्ट मोमेंट क्या था, ही थॉट अबाउट द मनी ही हैड स्टोलन फ्रॉम हिज फादर्स पर्स, अभी उसका पहला थॉट क्या था, पहला तो उसने ये सोचा कि मेरे पहले भी मैंने मेरे को पैसे चुराने की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से पैसे उधार लिए थे और उस फ्रेंड्स को वो वापस नहीं कर पाया तो वो धमकियाँ दे रहे हैं, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं पैसे चुराऊँ ना। तो अब उसका सेकेंड मूवमेंट क्या था, उसका जो नेक्स्ट मूवमेंट है उसने सोचा, अब उसके वो सोच रहे जो उसने फादर्स के पैसे चुराए अपने पापा के उसके बारे में वो सोच रहा है। ही वॉज थिंकिंग दैट ही शुड नॉट हैव पुट दैट नोट इन द पेंसिल बॉक्स, उसने वो सोचा कि मुझे चुरा के ना पेंसिल बॉक्स में नहीं रखने चाहिए थे पैसे, समवन माइट ओपन द पेंसिल बॉक्स, अगर किसी ने पेंसिल बॉक्स खोल के देख लिया तो एंड ही वुड बी कोट और वो मुझे पकड़ लेंगे कि पेंसिल बॉक्स, क्योंकि पेंसिल बॉक्स किससे बिलोंग करता है, पेंसिल बॉक्स तो इंदर से बिलोंग करता है मतलब वो पेंसिल बॉक्स तो इंदर का है, तो then he cannot escape his father's abusing and beating, तो कह रहा है कि अगर मुझे पेंसिल बॉक्स किसी ने ओपन कर लिया और पेंसिल बॉक्स से मुझे किसी ने पकड़ लिया तो फिर मेरे पापा से मुझे कोई नहीं बचा सकता और वो अब्यूजिंग करेंगे एंड बीटिंग मतलब अब्यूज मतलब भला बुरा जो डांटते हैं हमें डांटता है कोई कहता है एंड बीटिंग पीटेंगे भी मुझे, बीटिंग मतलब पीटना ठीक है, इवन
इवन हिज मदर वुड स्कोल्ड हिम बैडली फॉर दिस मिस्टेक्स, और यहाँ तक कि उसकी मम्मा उसकी मदर भी बहुत बुरी तरह डांटेंगी उसको इस मिस्टेक के लिए. दे वुड नेवर बिलीव हिम अगेन, और क्या हो जाएगा कि उसके बाद कभी भी मेरे पेरेंट्स जो है मुझ पर कभी भी बिलीव नहीं करेंगे कभी भी. ठीक है, देखो ये होता है ना कि हम कर तो लेते हैं काम, वो पैसे मांग भी तो सकता था अपने पेरेंट्स से, क्या पता उसके पेरेंट्स दे देते, क्या पता मना नहीं करते, लेकिन इसने बात बताई नहीं अपने फ्रेंड्स वाले, अपनी बात बताई नहीं, और वो खुद ही ये सब सोचकर उसने चोरी भी कर ली, तो बड़ा काम बहुत बेकार कर दिया ना उसने. तो ये अब वो डर रहा है ये सब सोच के कि पेरेंट्स को पापा को पता चलेगा तो क्या करेंगे, मम्मी को पता चलेगा तो क्या करेंगे, है ना, और उसके ऊपर से बिलीव उड़ जाएगा. ये एकदम सच बात बोली है, जब हम किसी का बिलीव तोड़ देते हैं ना तो दोबारा नहीं बन पाता. जैसे हम मम्मी पापा हम पे भरोसा करते हैं, और अगर हम एक बार ऐसी काम कर दिया तो उनको तब लगेगा ही कि अब पैसे क्या है छुपा के रखने हैं, वो ड्रॉ में क्यों मिल गए, क्योंकि उन्हें पता है ना, उन्हें अपने बच्चों पे भरोसा है, कहीं भी पड़ा रहता होगा पर्स, है ना. लेकिन अगर हमें पता चल जाए बच्चे चोरी करते हैं तो क्या पेरेंट्स भी पर्स भी छिपा के रखने लगेंगे, तो ये भरोसा उठ जाता है. ठीक है, तो वो वही सोच रहा है कि अगर पेरेंट्स को मेरे फादर या मदर को पता चला तो बिलीव नहीं करेंगे आगे से मुझ पर, एंड ही वुड लॉस देयर फेथ मतलब भरोसा फॉर एवर, और वो मुझ पर हमेशा के लिए भरोसा करना छोड़ देंगे. हिज आईज वर फिल्ड विद टीयर्स ऑफ रिमोर्स, टीयर्स ऑफ रिमोर्स, उसके आंखें भर आई आंसुओं से, जो वो पश्चता जो उसको गिल्टी फील हो रहा था अपनी गलती का, उसके आंसू भर आए उसके, ठीक है, आंखों में आंसू आ गए फॉर वट ही हैड डन, जो उसने करके आया वो घर पे उसके लिए उसके आंखें भर आई. ही वॉज नाउ रिग्रेटिंग हिज एक्ट ऑफ बोरिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड्स फॉर इंजॉइंग मूवी इन सिनेमा हॉल. अब वो उस चीज़ के लिए भी रिग्रेट कर रहा है, उस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहा है, सैड फील करते हैं जो हम, कि उसने अपने फ्रेंड से क्यों बोरो किए, क्यों पैसे उधार लिए, और वो भी किस लिए किए थे, उसने इंजॉय करने के लिए सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ उसने पैसे उधार लिए थे. तो ये सब अपने पेरेंट्स के साथ भी कर सकता था, क्या पता पेरेंट्स उसको मूवी दिखाने ले जाते या पैसे दे देते बट उसने नहीं बताया होगा, तो ये उसके लिए रिग्रेट हो रहा है, उसके लिए सॉरी फील कर रहा है. नाउ ही फेल्ट गिल्टी फॉर हिज मिस्टेक्स, अब उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, बुरा लग रहा है. ही टोट एट एनी कॉस्ट ही शुड नॉट हैव कमिटेड दिस सिन. सिन होता है पाप, जो हम पाप कर देते हैं, इसने एक बड़ा पाप ही कर दिया था ये चोरी का, तो उसने कहा मुझे ये नहीं करना. ही शुड नॉट हैव कमिटेड दिस सिन, उसको ये इतना बड़ा पाप नहीं करना चाहिए था चोरी का. इवन इफ हिज फ्रेंड्स वुड कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स और टीचर, उसने कहा यहाँ तक कि अगर मेरे फ्रेंड्स मुझे धमकी दे रहे थे, अगर वो शिकायत भी कर देते जाके मेरे पेरेंट्स से या टीचर से, आफ्टर अ बिग डिस्कशन विद हिमसेल्फ, उसके बाद उसके साथ मीटिंग होती, डिस्कशन होता, उससे पूछा जाता बस, और इन द डिसाइडेड टू रिपेंट फॉर हिज रॉन्ग डीड, और अपनी गलती का हाँ मान लेता कि हाँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने गया था ना पैसे लेके उनसे. ही थॉट इफ ही टेल्स एवरीथिंग टू हिज फादर एटलीस्ट ही विल स्कोल्ड हिम फॉर टेलिंग द ट्रूथ. तो उसने कहा अगर मैं ये सब पहले ही अपने पेरेंट्स को बता देता तो शायद मेरे फादर एटलीस्ट डांटते स्कोल्ड करते, लेकिन किसके लिए डांटते, सच बताने के लिए, मतलब एटलीस्ट मैं सच तो बताता तो मेरे को थोड़ी सी डांट पड़ती. विद स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन ही स्टेप्ड टूवर्ड्स हिज होम विद हैवी हर्ट, और डिटरमिनेशन होता है जब हम विल पावर, जो हमारे अंदर की जो विल पावर होती है, सोचने या करने की क्षमता जो होती है वो हमारी एकदम ज़्यादा होती है कि हमें करना है ये, तो ये करके ही तो करना ही चाहिए. ठीक है, तो वो अपनी डिटरमिनेशन अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके उसके साथ आगे बढ़ा, घर के लिए गया वो, और अपना दिल मजबूत करके गया बिल्कुल. When in the reached his home, जब वो घर पहुंचा, he found his father watching television in the living room. तो उसके पापा लिविंग रूम में टेलीविजन देख रहे थे, and his mother was still in the kitchen. और उसकी मम्मी अभी भी किचन में ही थी. He approached his father with great confidence and said, अपने पापा के पास गया पूरे कॉन्फिडेंस से, बोला फादर आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कि कहते हैं कि मैं अपने कन्फेस, मतलब हम जब सबमिट कर लेते हैं, जब हम किसी के सामने अपनी कन्फेस अपनी गलती या अपना किया हुआ काम बता देते हैं, तो उसने कहा मैं कुछ को कन्फेस करना चाहता हूँ आपके सामने.
His father looked at him amazingly and asked, What's the matter? Is everything is fine? तो उसके फादर ने उसको बहुत अमेजिंगली देखा कि क्या हो रहा है, क्या बोलना चाहता है. तो उससे पूछा, हाँ बोलो क्या हुआ है, What's the matter? Is everything fine? क्या मैटर है, क्या बात है और सब किस ठीक है ना. तो इंदर सैड विद हेजिटेशन, नर्वस होते हैं हम जो बोलने में हिचकिचाते हैं. तो इंदर भी ऐसे ही हो रहा था. प्लीज़ पनिश मी, उसने कहा कि प्लीज़ मुझे पनिश करो, मुझे सजा दो. आई हैव स्टोलन अ 500 रुपी नोट फ्रॉम योर पर्स, कि मैंने आपके पर्स से एक 500 रुपीज़ का नोट चुरा लिया है. सेइंग सो ही टुक आउट द नोट फ्रॉम द पेंसिल बॉक्स एंड हैंडेड ओवर इट टू हिज फादर. और उसने वो पेंसिल बॉक्स खोला और उसने से पैसे निकाल के अपने पापा को, अपने फादर को उसने हाथ में थमा दिया. हिज फादर वॉज अमेज्ड टू दिस ऑल, उसके पापा बहुत चौंक गए देख के. ये पहले तो ये देख के चौंक गए होंगे कि पैसे भी चुराए, फिर ये देख रहे थे कि उसने वापस भी कर रहा है, वो अपनी गलती मान रहा है. इज सो हिज सन बिगन टू सॉब एंड हिज आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उसने देखा अपने बेटे को कि उसकी आंखें जो हैं आंसू से भरी हुई हैं, वो ऐसे सिसक रहा है रोने में और गिल्टी फील कर रहा है और अपनी गलती भी मान रहा है. इन स्पाइट ऑफ साउटिंग ऑफ हिज सन, इंदर्स फादर कंसोल्ड हिम. फिर उसके जो उसके पास बेटे ने बोला उनको, तो इंदर के फादर ने कंसोल किया अपने आप को, ठीक है, और अपने आप की मान लिया और बोलते हैं, डोंट क्राई माई सन, आई विल नॉट पनिश यू, कि बेटा रो मत, मैं तुमको पनिश नहीं करूँगा. द बिगेस्ट पनिशमेंट, कि सबसे बड़ी तो गलती तब कब होती है, इज रिपेंटेंस. क्या होता है रिपेंटेंस, क्या होता है, यहाँ पे देखो रिपेंटेंस, ये कह रहा है कि सबसे बड़ी पनिशमेंट तो रिपेंटेंस ही होती है. रिपेंटेंस होता है जब हमें अपनी गलती का खुद एहसास हो जाए, हमें अपनी मिस्टेक का खुद पता चल जाए, ठीक है. उसने कहा, उनके पापा ने उसको अच्छे से समझाया और बोला कि मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा बेटा, सबसे बड़ी पनिशमेंट तो यही होती है कि तुम्हें अपनी गलती का खुद एहसास हो गया है, ठीक है. क्या पता वो पैसे नहीं बताता घर पे और दोबारे से ये सब ये उसको सफल हो जाता, पता नहीं चलता, और क्या पता ये दोबारे काम करता तो उसको गिल्टी फील ही नहीं होता और धीरे धीरे उसको ये चोरी की आदत पड़ जाती. तो एटलीस्ट के पापा कह रहे हैं कि ये ही बड़ा सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है जब हमें अपनी गलती का खुद पता चल जाता है. इफ़ यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक एंड वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ, और तुम अपनी गलती कमिटेड कर रहे हो, मान रहे हो अपनी गलती और अपने आप को चेंज करना चाहते हो, देन वट इज द नीड ऑफ पनिशमेंट, फिर यहाँ पे पनिशमेंट की कोई जरूरत नहीं है. आई विल नॉट पनिश यू बिकॉज आई एम हैप्पी विद यू फॉर योर स्पीकिंग द ट्रूथ. उसने कहा कि मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा यहाँ पे, तुम यहाँ पे तुम्हें अपनी पनिशमेंट तुम्हें खुद ही मिल गई है, तुमने अपनी गलती महसूस कर ली, ठीक है, अपनी गलती का एहसास तुम्हें हो गया है और मैं खुश हूँ कि तुमने यहाँ पे सच बोला है. इंदर वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग एंड लुकिंग एट हिज फादर, बट इंदर कंटिन्यूसली रो रहा था बिना रुके और अपने पापा को देखे जा रहा था. एंड फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस, उसको वो बहुत गिल्टी फील हो रहा था. द फादर आस्क्ड, उसने फादर ने पूछा, मे आई नो वाई यू स्टोल मनी फ्रॉम माई पर्स, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने मेरे पर्स से पैसे क्यों चुराए हैं. देयर माइट बी सम रीजन, कि वहाँ पे कुछ तो रीजन होगा ना बिहाइंड द थीफ, तुमने ये चोरी की है इसके पीछे कुछ तो राज होगा, कुछ तो बात होगी कि तुमने चोरी क्यों की. इंदर वॉज अनकरेज्ड बाई हिज फादर वर्ड, इंदर के अंदर अनकरेज हुआ, वो थोड़ा सा इससे जागरूक हुआ और उसने बोला अपने फादर से, फादर्स के वर्ड से, उसने फादर के शब्दों से बहुत फील हुआ उसको. एंड उसने कहा, आई बोरो सम मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स टू सी मूवी, कि मैंने अपने फ्रेंड से पैसे उधार लिए थे मूवी देखने के लिए. एंड नाउ दे वर आस्किंग फॉर देयर मनी, एंड अब वो मुझसे वो पैसे मांग रहे हैं. एंड फॉर दिस दे वर थ्रेटनिंग मी टू मेक कंप्लेंट्स टू यू, और वो मुझे धमकी भी दे चुके हैं कि अगर वो पैसे नहीं वापस करेगा तो वो कंप्लेंट कर देंगे आपसे, मतलब आपसे आके, वो कौन बोल रही है, ये इंदर बोल रहे, ठीक है, कि आपसे आके वो कंप्लेंट कर देते. सो आई मेड अप माई माइंड टू रिटर्न देयर मनी बाई स्टीलिंग, तो मैंने सोचा उनके पैसे मैं वापस करके रहूँगा कैसे भी, और इसलिए ये मैं चोरी कर रहा था कि ताकि मैं इसके थ्रू ये पैसे उनको दे सकूँ. हैविंग सेड सो ही हैव अ साइन ऑफ रिलीफ एज देयर वॉज अ बर्डन ऑफ डेब्ट ऑन हिज माइंड,
तो अब ये जो ये कह के उसका सारा जो रिलीफ, उसने रात की सांस ली, मतलब एक बोझ सा उतर गया। एक होता है ना ऊपर एक बोझ पड़ जाता है, तो उसने एक बोझ पूरा उतर गया उसके सर की, पूरे माइंड से, पूरे जो चोरी का बर्डन था, उसने जो चोरी का बोझ लेके वो डोल रहा था, वो खेल नहीं पा रहा था, उसका ध्यान नहीं लग पा रहा था कहीं, देख रहे हो मन में होता है अच्छा तो वो नहीं होता है। तो ही स्टूड साइलेंटली बिफोर हिज फादर विद हिज हेड डाउन। तो उसने वहाँ पे साइलेंटली खड़ा हो गया अपने पापा के सामने ही, हेड डाउन करके। ही डिड नॉट केयर टू सी इन हिज फादर्स आइज। अब वो अपने पापा की आंखों में आंखें मिला नहीं पा रहा था, अब वो अपनी पेरेंट्स को ऐसे देख भी नहीं पा रहा था, ऊपर आइज करके वो नीचे सर करके खड़ा हो गया। हिज फादर अंडरस्टूड हिज प्रॉब्लम एंड जेंटली पुट हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर एंड सेड। उसके पापा उसकी गलती समझ गए, उसकी प्रॉब्लम समझ गए कि हाँ कि बच्चे को उसके कोई धमका रहा है पैसे के लिए, तो उसको कैसा फील हुआ होगा इस, और उसको ये भी डर है कि ये मेरे पेरेंट्स को या टीचर को पता चल गया, तो उसने ये बड़ा कदम उठाया। तो उसके पापा ने उसके कंधे पे हाथ रखा आराम से और बोले, माय सन इट इज़ ऑल राइट, कि बेटा सब ठीक है, नाउ फॉरगेट अबाउट इट ऑल, अब इसके बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम भूल जाओ। आई अप्रिशिएट यू फॉर टेलिंग मी द ट्रूथ, और मैं तुम्हारी इसके लिए प्रशंसा कर रहा हूँ कि तुमने सच बोला है, ठीक है, तुमने चोरी की, उसके लिए मैं ना ही पनिशमेंट कर रहा हूँ ना ही डांट रहा हूँ, बट मैं इसके लिए खुश हूँ कि मतलब मैं तुमने सच बोला। टेक दिस मनी एंड रिटर्न इट टू योर फ्रेंड्स, ये पैसे लो और तुम अपने फ्रेंड्स को वापस कर दो। इन द टुक द मनी विद द ग्रेट हेजिटेशन एंड कैप्ट इन हिज पेंसिल बॉक्स अगेन। बहुत नर्वस होकर उसने पैसे ले लिए और अपने पेंसिल बॉक्स में रख दिए, बट दिस टाइम ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ कीपिंग द मनी देयर बिकॉज ही वॉज नॉट स्टीलिंग इट। बट अब वो पैसे जो ज्योमेट्री बॉक्स में रख रहा था, अब वो नहीं डर रहा था। ये पहले उसने ज्योमेट्री बॉक्स में पैसे रख रहा था उसमें, और अब ज्योमेट्री बॉक्स में पैसे रख रहा है उसमें काफ़ी अंतर है, क्योंकि पहले वाला जो था वो चुराया हुआ था और अब चुराया हुआ नहीं है, तो उसके दिल पर ऐसे दिमाग पर बोझ नहीं है। अब वो ज्योमेट्री में पैसे रखते हुए नहीं घबरा रहा है क्योंकि वो चुराए हुए नहीं है। नेक्स्ट डे ही वेंट टू स्कूल एंड रिटर्न द मनी टू हिज फ्रेंड्स। नाउ अब अगले दिन वो स्कूल गया तो उसने अपने फ्रेंड्स को पैसे वापस कर दिए। नाउ ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड इन हिज स्टडी एंड बिकेम द मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट ऑफ ऑल इन स्कूल। अब उसने फिर उसके बाद ऐसे गलत काम कभी नहीं किया, और अपने स्टडी पर, क्योंकि अभी हम स्टडी के लिए, अभी हम छोटे हैं, हमें एक काम दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ स्टडी, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, और उसने स्टडी पर ध्यान दिया, वर्क हार्ड किया और पूरे स्कूल में सबसे फेवरेट स्टूडेंट वो बना, और सभी टीचर्स का, अपने स्कूल में सभी का वो फेवरेट स्टूडेंट बना। एंड हिज पेरेंट्स वर द हैप्पीएस्ट टू सी दिस चेंज इन देयर सन, और उनके पेरेंट्स भी खुश हुए, इंदर के पेरेंट्स भी ये देख के बहुत खुश हुए कि हमारा बेटा अपने आप को बदल दिया है उसने और चेंज, और काफ़ी अच्छा हो गया है। तो उसने अपने पेरेंट्स का भी एक तरह से जो होता है कर्ज हटा दिया कि मैंने भी कि पेरेंट्स इतना हमारे लिए कुछ करते हैं तो उनके लिए इतनी खुशी तो दे सकते हैं ना, वो उतना हमारे लिए पैसे लगा रहे हैं पढ़ाई में, इतनी मेहनत हमारे ऊपर कर रहे हैं, तो हम अपने पेरेंट्स को भी इतनी खुशी दे दें कि उनको अच्छा लगे, स्कूल में हमारी तारीफ सुनने को मिले। तो इसलिए इसने अपने आप में चेंज कर लिया और अपने स्कूल का वो सबसे फेवरेट स्टूडेंट बन गया। तो ये चैप्टर सुन के सब समझ में आया ना कितना अच्छा है। तो आपको भी किस में ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ आपके पास भी एक ही काम है, स्टडी का, उस पर फोकस करो उस पर, और ऐसे बुरे काम बिल्कुल नहीं करना, अपने पेरेंट्स का बिलीव नहीं तोड़ना होता है, ठीक है। चैप्टर से ये आपको मोरल मिलता है, शिक्षा मिलती है, कुछ ना कुछ सीखना होता है ना। और आपकी जो आते हैं काम पे वर्ड मीनिंग है, ये पहले आप कॉपी में वर्ड मीनिंग करोगे चैप्टर सिक्स की, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने के लिए होती हैं, ये सिर्फ पढ़ा करो। इज स्टीलिंग अ गुड हैबिट, क्या चोरी करना अच्छी आदत है? नहीं। व्हाट डिड इंडर डू टू रिपे द डेब्ट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसने फ्रेंड्स के पैसे वापस करने के लिए क्या किया, डेब्ट मतलब वही जो मनी होता है, तो क्या किया उसने, चोरी की थी। वह हु स्टार्टेड थ्रेटिंग हिम, उनको उस थ्रेटनिंग कौन धमकी दे रहा था, उनके दोस्त। हाउ मच मनी डिड इंदर स्टील, कितने पैसे चुराए थे इंदर ने, 500। डिड इंदर्स फादर पनिश हिम, क्या उस इंदर के पेरेंट्स ने उसको पनिश किया, नहीं। तो ये सारे जो नॉर्मल क्वेश्चन है ये सब पढ़ने के लिए होते हैं, वर्बली होते हैं, देखो यहाँ पे इनका आंसर नहीं लिख रहे हैं, वर्बली मतलब बोल कर। वाई वर इंदर्स पेरेंट्स द हैप्पीएस्ट, कि इंदर के पेरेंट्स खुश किस लिए हुए, कि उनके बेटे ने अपना जो सच था उसको अप्रिशिएट किया, उसने सच बोला है,
ठीक है, ये सिर्फ ये वाले क्वेश्चन सिर्फ पढ़ा करो आप, एक्सरसाइज ए वाले खुद देखा करो जब आप एक्सप्लेन कर देते। एक्सरसाइज बी वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको कॉपी में करना है, ये रिटर्न के लिए है, ठीक है। ये वाले मैं आपको भेज दूंगी पिक्चर्स, उसमें से आप कॉपी में कर लेना और याद भी कर लेना। उसके बाद एक्सरसाइज सी में एमसीक्यूज है, देखो मैंने लगा रखे हैं। फर्स्ट है आपका इसका, ये मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगी, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगी, बहुत ईजी आप आराम से समझ लोगे। He took 2000 rupees from his अपने पर्स से, क्या आप 2000 rupees लिए थे? False, उसने 500 लिए थे। या आप रीड करना खुद, इतना चैप्टर बता दिया तो इतना तो कर सकते हो ना, पढ़ने की कोशिश करना, रीडिंग अच्छी कर लो और थोड़ी थोड़ी मीनिंग्स निकाल ले लोगों, ठीक है। तो ये मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगी एक्सरसाइज की, क्वेश्चन आंसर्स की, और ये वीडियो ध्यान से सुनना, अगर ना समझ में आए बीच में से ईयरफोन्स लगा के दोबारा सुन लेना, ओके। चैप्टर आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया, टीयर्स ऑफ रिमोर्स, ठीक है, अच्छा चैप्टर है ना, घर में भी सुनाना कहानी, ठीक है, पेरेंट्स को। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।